क्लास की जो टेस्ट है उसका सभी सिलेबस और उसके लेक्चर्स आपको फ्री में मिलेंगे। कोई भी आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर मेरे वीडियो देख के अगर आपको वैल्यू ऐड होता है तो मैं खुद को सौभाग्यशाली समझूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आप ये देखते हो कि ये टेस्ट बुकलेट है और इधर आपको रोल नंबर लिखना है, यहाँ आपको नेम ऑफ द कैंडिडेट जो लिखा है, यहाँ आपको आपका पूरा नाम लिखना है, और सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, इधर आपको आपका सिग्नेचर करना है। ये बेसिक सी बातें हैं। इधर टाइम लिखा है 2 आवर्स और मैक्सिमम मार्क्स 100, जैसा कि हमने पहले ये वीडियो में देखा था जिसमें मैंने आपको ये जानकारी दी थी। ये बिना कोई गलती करे आप पूरा रोल नंबर, आपका पूरा नाम और आपका सिग्नेचर यहाँ आपको करना है। इस तरह से ये बेसिक सी जानकारी आपको इस बुकलेट में लिखनी है। देन नेक्स्ट वन इज द करेक्ट मेथड ऑफ द डार्कन द सर्कल। मतलब आपका ये टेस्ट क्वेश्चन बुकलेट है और आपको पोएम आर शीट दी जाएगी, बराबर। तो उस पोएम आर शीट को कोई लोग सिर्फ राइट क्लिक करते हैं जो आंसर बराबर है, तो आपको उस तरह से नहीं करना है। करेक्ट रिस्पांस कैसे देना है कि जो भी आपका आंसर का जो सर्कल है उसको पूरी तरह से डार्क करके आपको आंसर वो सर्कल डार्क करना है, या तो आधा डार्क या कहीं तो भी बाहर जा रहा है, ऐसा मत करो। जिस तरह से यहाँ इंडिकेट किया है इस तरह से राइटली इस सर्कल को आपको डार्कन करना है। ओके, सो इफ योर आंसर इज सी, सो डार्कन द सी सर्कल एज अप्रोप्रिएट। सो और आपको पेंसिल नहीं यूज करना है, आपको वॉल पेन से ही इसको डार्कन करना है। ओके, तो इस तरह से ये बेसिक चीजें आप ध्यान में रखो। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहला पार्ट होता है वो है मेंटल एबिलिटी टेस्ट। जिस तरह से मैंने बोला था, तो सबसे पहला पार्ट है मेंटल एबिलिटी टेस्ट, और इसके कुछ क्वेश्चंस आज हम जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए थे और उसके सही सही आंसर क्या है वो जाने। तो पहले देखिए दोस्तों, आपको सभी बच्चों को पहले ये डायरेक्शन जो दिया है वो डायरेक्शन ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि आई एम गोइंग टू मेक दिस वीडियो इन हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज, सो आई एम यूजिंग द इंग्लिश एंड हिंदी और लिटिल बिट मराठी। सो अगर आप जो भी लैंग्वेज सिलेक्ट करने वाले हो उसी लैंग्वेज में आपको पेपर आएंगे, ठीक है। मतलब अगर आपने मराठी लैंग्वेज सिलेक्ट किया है तो आपको पेपर मराठी में आएगा, अगर आपने हिंदी लैंग्वेज सिलेक्ट की है तो आपको पेपर हिंदी लैंग्वेज में आएगा, अगर आपने इंग्लिश लैंग्वेज सिलेक्ट किया है तो आपको पेपर इंग्लिश लैंग्वेज में आएगा। ओके, सो लैंग्वेज के बारे में आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए और मैं यहाँ आपको तीनों भी लैंग्वेज में समझाने वाला हूँ। सो देखिए, मेंटल एबिलिटी टेस्ट में जो भी लोग सूक्ष्म निरीक्षण शक्ति रखते हैं, बहुत ध्यान से, मतलब उसकी उसके निरीक्षण शक्ति अच्छी होती है, वो बच्चे इसमें बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं और इसमें मार्क्स लेना बहुत ही इजी होता है। सो पहले डायरेक्शन क्या दिया है, इन क्वेश्चन नंबर्स, अभी हर एक बार में आपको क्वेश्चन नंबर्स में ध्यान देना है। देखिए ये एक-एक जानकारी बहुत ही बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको स्किप मत कीजिएगा। तो हर बार आपको क्वेश्चन नंबर दिए जाएंगे, क्योंकि दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन इज ओनली फॉर द क्वेश्चन नंबर 1 to 4। सो क्या कहते हैं, ए बी सी डी हैव बीन गिवन इन ईच क्वेश्चन, मींस क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक क्या दिया है, ए बी सी डी ये फिगर्स दिए हैं, और आपको क्या करना है, ऑफ दिस 4 फिगर 3 फिगर्स आर सिमिलर, मींस फ्रॉम ए बी सी डी इन दिस 4 फिगर
थ्री फिगर्स आर सिमिलर इन सम वे, मतलब उसमें कुछ कुछ तो भी ऐसा है कि वो सेम है, लेकिन एक फिगर ऐसी है जो इन तीन फिगर से किसी भी एंगल में नहीं मिलती है। सो हमें इसमें क्या ढूंढना है कि कौन सी फिगर डिफरेंट है। तो देखिए मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि हमें इसमें क्या ढूंढना है, पार्ट वन में द फिगर विच इज डिफरेंट। ओके सो आपको क्या करना है कि डिफरेंट फिगर फाइंड आउट करनी है। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर वन। सो हियर द क्वेश्चन नंबर वन इज दैट यू कैन सी दैट देयर, ओके एक स्क्वायर बना हुआ है, 1 2 3 4 सबको स्क्वायर है, तो ये बात क्लियर हो गई। अभी उसके अंदर का भाग देखते हैं। अभी अंदर में क्या है, अंदर एक स्क्वायर है हर एक को, ओके तो इसको भी अंदर एक स्क्वायर है, इसको भी अंदर एक स्क्वायर है, इसको भी अंदर एक स्क्वायर, ओके तो अभी ये स्क्वायर को एक लाइन से ऐसे जोड़ दिया है और दो ट्रायंगल बने, ओके तो हम देखते हैं कि ये भी दो ट्रायंगल बने हैं, ये भी दो ट्रायंगल बने हैं, ये भी दो ट्रायंगल, मतलब इस बारे में तो ये चारों सेम है, लेकिन हमें तो ढूंढना है कि कौन सी डिफरेंट है। तो हम देखते हैं अभी डिफरेंट ये है कि देखो इसमें जो ट्रायंगल है जो दूसरे ट्रायंगल को साइड में क्या किया है, ये स्ट्रेट लाइन खींची है, इधर भी देखिए साइड में ही लाइन खींची है, इधर भी देखिए ऐसा भी अगर इसको घुमाते हैं तो ये साइड में ही खींची है, मतलब यही जो 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 बी सी और डी है ये कुछ पर्टिकुलर मैनर में सेम है बराबर, लेकिन ये जो नंबर वन की क्वेश्चन में ये फिगर जो है ये डिफरेंट है, क्योंकि इसमें ये जो बीच की लाइन है उसे ऐसी छोटी सी स्ट्रेट लाइन खींची है, इसीलिए द ये फिगर इज डिफरेंट। सो ये फिगर डिफरेंट है, ओके सो नाउ क्वेश्चन नंबर टू विच इज द डिफरेंट फिगर। नाउ वी कैन से दैट देयर इज अ लेटर, नहीं क्या उसमें क्या है, लेटर्स है, ओके तो हम देखते हैं के आई टी टी आई के आई टी के आई के सी। तो मैं भी बहुत बार मैंने इसको दो तीन बार पढ़ा कि इसमें कुछ क्या मेथड है, मतलब रिपीटेशन की कुछ मेथड है क्या, जैसे के आई टी में टी आई के फिर टी पीछे गया फिर आई पहले आया, तो इसमें कुछ मतलब सिमिलरिटी है क्या। लेकिन बाद में जब इसे हम गौर से देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि इसमें आई के सी इज द डिफरेंट फिगर। क्यों डिफरेंट है, क्योंकि सी लेटर ये कहीं भी नहीं है, ओके सी लेटर जो है जो इधर आया है, इधर यही के आई टी टी आई के आई टी के ये तीन लेटर ही रिपीट हुए है, और इधर जो डी है इसमें सी लेटर ए अलग आया है, इसीलिए डी इज अ डिफरेंट फिगर, ओके सो आवर आंसर इज डी। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर थ्री, ए बी सी और डी। Now, when we see that there is a square, ये square है, ये square है, ये square है, अब सब सबको square में ही देते हैं, तो उसके बाद में हमें क्या देखना है कि अभी जो इसके अंदर का ये triangle है, ये भी triangle है, ये भी triangle है, ये भी triangle, अभी हमें तीसरा ढूंढना है कि what, which is the different figure, अलग figure कौन सी है। तो हम जब हम इसको बारीकी से देखते हैं तो ये सभी देखो ये 90 एंगल के ट्रायंगल है, ओके ये सब 90, ये 90 का है, ये जो 90 एंगल का ट्रायंगल है,
ये 90 एंगल का ट्रायंगल है, ये 90 एंगल का ट्रायंगल है, बट ये 90 एंगल का ट्रायंगल नहीं है, सो इसीलिए ये डिफरेंट है। ओके, तो बी इज डिफरेंट। अभी क्वेश्चन फोर में हम जब देखते हैं तो यहाँ देखिए, ये स्क्वायर तो सबको है, स्क्वायर के अंदर देखो ये पहला सर्कल, ये दूसरा सर्कल, और दूसरे सर्कल को एक तीर लगाया। अभी इसको भी दूसरे सर्कल को ये तीर लगाया है, इधर भी तीसरे सर्कल को ये तीर लगाया है, लेकिन जब हम फिगर डी को देखते हैं तो अंदर सर्कल नहीं है, ये जो छोटा सर्कल है वो बाहर है और एक एंगल अंदर है, सो द डिफरेंट फिगर इज डी। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर वन से लेकर क्वेश्चन नंबर फोर तक दीज आर द डिफरेंट फिगर। वन में ए है, टू में डी है, थ्री में बी है और फोर में डी है। तो हमने इसमें क्या ढूंढना था, एक से लेकर पार्ट वन में एक से लेकर चार तक जो डिफरेंट फिगर है, अलग फिगर है, वो ढूंढनी थी। अभी हमें क्या करना है, पार्ट सेकेंड जो है उसमें जाना है, और इसके लिए हम क्या करेंगे, पार्ट टू। ओके, तो अभी इधर भी क्या है, देखिए डायरेक्शन सबसे पहले पढ़ना है इन क्वेश्चन नंबर 5 to 8। ओके, पार्ट टू में हमें 5 से लेकर 8 तक क्वेश्चन दिए गए, और इसमें क्या बोला है क्वेश्चन, फिगर इज गिवन ऑन द लेफ्ट साइड, हमारे लेफ्ट साइड में एक फिगर दी गई है, फिगर इज गिवन इन द लेफ्ट साइड। ओके, सो फाइंड आउट विच इज योर लेफ्ट साइड। ओके, तो लेफ्ट साइड जो देखिए, इधर जो नंबर दिया है, ये नंबर आप देख सकते हो, ये नंबर के बाजू में ये जो फिगर दी है। ओके, एंड फोर आंसर फिगर्स मार्क, और उसके बाजू में इधर इधर देखो, क्वेश्चन फिगर ये है, दिस इज अ सॉरी दिस इज द क्वेश्चन फिगर एंड दिस इज द आंसर फिगर। सो व्हाट वी नीड टू डू, हमें क्या करना है कि जो भी आंसर फिगर गिवन द राइट साइड, सिलेक्ट द आंसर फिगर व्हिच इज एग्जैक्टली द सेम, हमें आंसर फिगर के लिए एग्जैक्टली सेम फिगर ढूंढनी है, किससे मिलानी है, क्वेश्चन में जो फिगर दिख रही है उससे डायरेक्ट मिलती जुलती फिगर हमें यहाँ से ढूंढनी है। ये भी बहुत आसान है, तो चलिए देखते हैं इसमें से कौन से आंसर मिलते हैं। तो देखिए अभी आप इसको ऐसे इस तरह से डिवाइड भी कर सकते हो, बराबर। अभी अगर आप ऐसे इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए, मतलब ये यहाँ से मैंने इसको डिवाइड किया, तो ये पार्ट हमें क्या चाहिए पहला, अगर इसको हम ये पूरे सर्कल को अगर हम हाफ हाफ में डिवाइड करेंगे तो ये देखो नीचे का पार्ट, उसमें नीचे के पार्ट में मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 इसमें ट्रायंगल है, या आप जो भी इसको कहिए, ठीक है। तो हमें ऊपर के पार्ट में एज इट इज पहला कौन सा चाहिए, ब्लैक वाइट, ब्लैक वाइट। तो हम इसमें ऐसे देखते हैं, अभी इसमें ऊपर जो आधा पार्ट है ऊपर का, इसमें है क्या, वो नहीं है। अभी इसमें है क्या, इसमें थोड़ा सा मिलता है, ब्लैक वाइट, ब्लैक वाइट, सो फिर से वाइट ब्लैक वाइट वाइट, सो दिस फिगर इज मैचिंग टू द क्वेश्चन फिगर, सो दिस इज द एग्जैक्टली सेम टू द क्वेश्चन फिगर, सो दिस इज द आंसर। सो ये क्या है, हमारा आंसर फिगर। ओके, सो लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन। अभी इसमें भी हमें देखना है, ये भी बहुत इजी है, इसके भी हम टू पार्ट्स करेंगे। देखिए यहाँ से ऐसे इसको डिवाइड कर देंगे,
इधर देखिए छोटा सर्कल, छोटा सर्कल, इधर अभी इस तरह के छोटे सर्कल कौन से ही है? ओके, अभी इधर उस तरह से कोई है ही नहीं है। तो अभी आपको तो बहुत मतलब बारीकी से देखना है। तो इसमें कौन सी आएगी? एग्जैक्ट सेम फिगर ए आई बी। ओके, तो थर्ड वन, सॉरी सेवेन नंबर क्वेश्चन। अभी देखो ये हो गया स्क्वायर, स्क्वायर में क्या दिया? अभी ये दो बाण है बराबर, तीर है। तो इस तीर को देखिए, दोनों साइड से इसको क्या चाहिए? एरो चाहिए। अभी इधर नहीं है तो ये नहीं होगा, इसको हम नहीं बोल देंगे। ओके, अभी इसको इस साइड से नहीं है तो ये भी नहीं होगा। अभी इसको, हाँ इसको भी नहीं है तो ये नहीं है, और एक एग्जैक्टली सेम कौन सी भी सी। ओके, तो इस तरह से ये आंसर है। अभी इसमें देखिए, वन टू थ्री फोर फाइव, ओके वन टू थ्री फोर फाइव, तो आंसर कौन सा है? ये अभी इधर भी सॉरी सॉरी, देखिए ये आंसर है। ओके, तो इसमें आंसर जो है, ये क्वेश्चन फिगर नंबर बी है। ओके, तो इस तरह से आपको इसमें आंसर ये देना है। ठीक है, तो इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं पार्ट थ्री में। अभी पार्ट थ्री में हम क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 12 तक आगे बढ़ेंगे। अभी इसमें हमें क्या करना है? इन क्वेश्चन नंबर 9 to 12 देयर इज अ क्वेश्चन फिगर ऑन द लेफ्ट साइड। हमें लेफ्ट साइड में क्या दिए है? क्वेश्चन फिगर दिए है, अ पार्ट ऑफ व्हिच इज मिसिंग, और इसमें से जो ये पार्ट मिस है वो इधर दिया है। तो ये पार्ट हमें यहां रखना है ताकि ये फिगर पूरी हो जाए। ओके, द मिसिंग नहीं का, ऑब्जर्व द आंसर फिगर ए बी सी डी, ये आंसर फिगर है एंड इसको क्या करना है? द एंड फाइंड आउट द आंसर फिगर, हमें आंसर फिगर फाइंड आउट करनी है। अभी देखिए, हमें अभी इसमें एक बहुत छोटी सी बात ध्यान में रखनी है कि तुमको सब में ये नहीं जाने का, अगर इस तरह से आएंगे ना तो आपको क्या करना है कि ये इसमें ऐसी कौन सी बैठती है
देखिए अभी यहाँ कौन सी आएगी, ये एरो देखो सबके किधर होने चाहिए, बाहर होने चाहिए बराबर। ये देखिए इसका भी एरो बाहर है, इसका भी एरो बाहर है, इसका भी एरो बाहर है, इसका भी एरो बाहर, ओके इसका भी एरो बाहर है, इसका भी एरो बाहर है, इसका भी एरो बाहर है, इसका भी एरो बाहर। अभी इसका एरो एक अंदर है इधर, ये दो तो ये नहीं है। तो पहले हम जो नहीं है उसको मैं आपको बताता हूँ, ओके ये नहीं है। अभी इसका ये एक अंदर है, बाकी थोड़ा सा सब बाहर, लेकिन हमें सब बाहर की तरफ चाहिए। अभी इसके भी एक इधर दो है बराबर, एक इधर अंदर जा रहा है और ये बीच में भी लाइन है, तो ये भी नहीं है। तो आंसर फिगर कौन सी है, बी। ओके तो इस तरह से ये हो गई। अभी इसमें हमें ढूंढना है कि ये देखिए, ये पहले हम इस स्क्वायर का अंदर का लाइन आएगा तो इधर से डॉट डॉट अंदर की साइड से आनी चाहिए, क्योंकि सब में ये जो दिखाया है ऐसा जिगजैग वो बाहर की तरफ से, ओके मतलब जो अंदर का स्क्वायर आएगा उसके बाहर के लाइन से ये आना चाहिए, ओके। तो अभी देखिए, और ये इधर क्या आना चाहिए, ट्रायंगल सॉरी हाँ 90 एंगल आना चाहिए। तो अभी ये देखिए, ये नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम ऐसे ही उठा के यहाँ रख देंगे तो ये जिगजैग कहाँ जाएगा, अंदर जाएगा, तो ये नहीं है, ओके। अभी ये भी नहीं है, क्योंकि ये अंदर से दिया है और ये जिगजैग इस तरह से दिया है, तो ये भी नहीं है, ओके। अभी ये देखिए, ये अगर इधर हम लगा देते हैं तो ये यहाँ ये एंगल आएगा 90 का, तो ये भी नहीं है। तो इसका आंसर कौन सा है, ये आंसर राइट, ओके। तो इस तरह से आपको ये भी ढूंढना है। अभी क्वेश्चन नंबर 11, ओके। अभी हमें ये भी बहुत इजी है, ये देखिए, ये तो इसमें ये दिया है तो इसलिए ये है ही नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और कौन सा है फिर, ओके। सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 12। तो इसमें देखिए, इसमें थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो ये देखिए, अगर ये इधर लग जाएगा, ओके ये इधर ऐसा है तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये पूरा ब्लैक है, ये जो पार्ट है ये पूरा ब्लैक है, बीच में हमारे ये ब्लैक नहीं है, इस तरह से है, तो हमारा राइट आंसर क्या आएगा, ये। तो इस तरह से ये हमने 1 से लेकर 12 तक पूरे आंसर सॉल्व किए हैं। तो मुझे आशा है आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट, अभी ये 3 टाइप के ही मेंटल एबिलिटी नहीं आएगी आपको, कभी कभी आईने में वो ये जो फिगर है वो आईने में कैसे दिखेगी वो आ सकती है, कभी कभी कोई जो पेपर है उसको फोल्ड किया और उसको ओपन करने के बाद वो कैसा दिखेगा, इस तरह के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन उसमें वो नहीं आए, लेकिन फिर भी हम जब दूसरे इसमें आएंगे तो उसका भी हम जिक्र करेंगे कि वो कैसे सॉल्व करना है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अभी ये सभी दोस्तों को आप शेयर कीजिए और अगला वीडियो देखिए, उसमें हम क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर आगे का ये पेपर सॉल्व करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।